तो हे हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल दुनिया में। हे भैया, कैसे हैं? ओए मुन्ना, तेरा भैया हमेशा सही रहता है। भैया को पूछने की जरूरत नहीं है, तू कैसा है ये बता। हे भैया, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज देखिए भैया, हमारे साथ कॉकरोच भी आए हैं। ओए इन कॉकरोचों को मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए इनको तो क्यों बुला लिया? ओए क्या रे बाबा, पहले पकड़ के तो दिखा रे बाबा। ओए पकड़ने की क्या बात करता है, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। क्या रे मामू, ज्यादा पंगा मत लेना, नहीं तो लंबू तोड़ देगा तुझे। क्या, डोंट एंग्री मी। हे भैया, लड़ना बंद कीजिए, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या रे अगी, आज हम लोग को शाउट आउट देने दे बाबा। ठीक है कॉकरोचो, आज तुम ही शाउट आउट दे दो। ओए मैं नहीं देने दूंगा, मैं सबसे पहले शाउट आउट दूंगा। हे भैया, दे लेने दीजिए ना, उनका बहुत सारा मन है। ओए जल्दी से दो, मेरी भी बारी आएगी। ओए क्या रे बाबा, मेरी तरफ से सभी को शाउट आउट रे बाबा, मस्त वाला शाउट आउट रे बाबा। और बीड़ू लोग, मेरी तरफ से भी सभी को शाउट आउट, टेंशन लेने का नहीं, देने का। क्या, डोंट एंग्री मी, मेरी तरफ से भी सभी को शाउट आउट, जाके धूम मचाओ और खिलाड़ियों वाला खेल दिखाओ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी से 100K भी कराओ। ओए और मेरी तरफ से भी सभी को तोड़ने फोड़ने वाला 2.5 किलो वाला शाउट आउट। ओए और गाइस, मेरी तरफ से भी सभी को बड़े वाला शाउट आउट। तो गाइस, इसी तरह से आप भी प्यार बरसाते रहा करिए, और चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो जल्दी से कर दो ना, 100K भी हो जाए। क्या रे बीड़ू लोग, आज हम लोग करने क्या वाले हैं? क्या हे झबलू, आज हम लोग एक बहुत स्पेशल चीज करने वाले हैं, जो कि हम लोगों की होगी बी फार्मिंग। क्योंकि बी फार्मिंग करना भी जरूरी होता है। ओए पहले इसे तोड़ने दे, निकल ले। ओए कहां से आता रहता है ये देख, XP भी दे दी। ओए अरे जैक, इतने XP खिलाड़ी के बाएं हाथ का खेल है क्या? ओए तो फिर खिलाड़ी रुका क्यों है, दिखाता क्यों नहीं बाएं हाथ का कमाल? ओए हे भैया, लड़ना बंद कीजिए। और देखो गाइस, हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो कि हम लोग इधर ही हम लोग अपनी बी फार्मिंग करेंगे। और हमने बहुत सारी टॉर्चेस भी लगा दी है, ताकि कोई जॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो। ओए अगर जॉम्बी स्पॉन भी हो जाता है तो तेरा भैया उसे तोड़ देगा मुन्ना, टेंशन मत लिया कर। ये देख, एक और क्रीपर आ गया। ओए हरे नीले गुब्बारे, निकल ले। ये ले मुन्ना, मार दिया, ये फट बहुत जल्दी जाता है। हे भैया, वो ऐसे नहीं फटेगा, जब आपको देखेगा तभी फटेगा, वो तो आपको देख भी नहीं पाता। ओए चल ठीक है, ओए पक्षी कहाँ भागता है, रुक जा। हे मुझे जाने दे बिल्ले। ओए चल निकल ले, तुझसे मिलने का मन भी नहीं है। ओए हे भैया, हमारे पास बहुत से XP लेवल है, चलिए देख लेते हैं इंचेंटमेंट क्या मिल रही है। अगर कोई अच्छी इंचेंटमेंट मिल रही होगी तो ले लेंगे। ओए ठीक है, ले लेंगे, कोई बात नहीं, बुक तो रख के देख। ओए ये क्या, लपिस लजूली लेना तो भूल ही गया। हे भैया, इंचेंटमेंट देखनी थी, अभी करना थोड़ी है। लास्ट प्रोसेसिंग 51। क्या रे बीड़ू लो, कोई अच्छी इंचेंटमेंट नहीं मिल रही, मत लो क्या? हाँ भैया, इतनी अच्छी इंचेंटमेंट नहीं मिल रही, रहने दीजिए। ओए चल ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन मुन्ना ये बता, आज करने क्या वाले हम लोग? हे भैया, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बाप आपको सही भुलक्कड़ कहता है। ओए चल अपना मुंह बंद रख, जल्दी बता करना क्या है। ओए हे भैया, आज हम लोग बी फार्मिंग करने वाले हैं, जैसा कि मैंने भैया झपलू को बताया था। ओए बी फार्मिंग से क्या होगा? हे भैया, हम लोग को हनीकॉम मिलेगी, और भैया हनीकॉम से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ओए तो फिर देरी किस बात की, चलते हैं जल्दी से। ये बंद किया दरवाजा। ओए फॉक्सी, रास्ते मत खड़ा होया कर। ओए हे, खड़ा होगा क्या कर लेगा? हे भैया, सबसे पहले हम पावर 4 डाल लेते हैं, जो कि पावर 4। ये देखिए भैया, पावर 5 बन रही है। लेकिन भैया, इंचेंटमेंट कॉस्ट 16 मांग रहा है। ओए कोई बात नहीं, इतने के लिए इतना तो बनता है। ओए रुक जा, मैं ले लेता हूँ। ये ले लिया। लेकिन भैया, हम लोग की XP भी तो घट गई। ओए घट जाने दे, कोई बात नहीं, बाद में आ भी जाएगी। लेकिन ये बता, वो तो पावरफुल बन गई ना? हाँ भैया, वो तो काफ़ी पावरफुल बन चुकी है। अब भैया, इसमें पावर 5 डल चुकी है, मतलब कि भैया वेदर बॉस को मारने में और भी मजा आएगा। और गाइस, मैं बता दूं, हम लोग वेदर बॉस बहुत ही जल्दी मारने वाले हैं। इन्हीं किसी एक दो पार्ट में हम लोग वेदर बॉस को मारने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम लोगों को कॉर्ड बेस में मिलती जाए। हे भैया, चलिए सबसे पहले हम लोग हनी के लिए घर भी बना देते हैं, क्योंकि भैया आज हमारे घर में मेहमान भी आने वाले हैं। ओए कौन से मेहमान आने वाले हैं? हे भैया, बी आने वाली हैं।
ओए बी बी सी कौन है ओए? हे भैया बी उसका नाम है हुँ? बी डबल ई मतलब कि भैया मधुमक्खियाँ। ओए ये मेहमान किस बात की हो गई ओए? हे भैया ये हम लोग को शहद देंगी और उसके बदले भैया हम लोग बहुत सारी चीजें बनाएंगे, तो इनके लिए भैया घर बनाना तो बनता है ना हुँ? उसके बाद भैया हम लोग हनी को लेने चलेंगे, मतलब कि बी को लेने भी चलेंगे हुँ? ओए लेकिन इनका घर तू जानता है क्या? हे भैया इनका घर ढूंढना पड़ता है, और इनका घर भैया वहीं पर होता है जहाँ पर बहुत सारे फूल वगैरह होंगे, तो वहीं पर भैया ये अपना मतलब कि वहीं पर बसेरा बना के रखती हैं हुँ? और भैया ज़्यादातर ये पेड़ों में रहती हैं। देखिए भैया कितनी सारी बारिश भी होने लगी हुँ? ओए बारिश तो मुझे भी दिख रही है, अब जल्दी से इसका घर तैयार करते हैं बिना किसी बकवास के। ओए क्या रे बाबा, मुझे खाने की जरूरत रे बाबा। ओए अपना मुंह बंद रख, दिन भर खाता रहता है मोटा कहीं का। ओए हे भैया हम लोग घर बनाने पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हुँ? ओए चल ठीक है बना फिर। तो भैया चलिए बहुत सारी मेहनत करने के बाद घर आखिर बन ही गया है भैया। इधर एक बस गेट बस लगाना है, और भैया इनका घर तो तैयार हो जाएगा, और भैया इधर हम लोग को बी हाइव भी रखना पड़ेगा हुँ? ओए अब ये भला बी हाइव ये क्या हो गया, और ये बनता कैसे है? ओए हे भैया बी हाइव जहाँ पर हम लोग की बी रहेंगी, तो भैया वही उसका घर होगा, और उन्हीं घर को भैया कहते हैं बी हाइव, और उन्हीं पर भैया जो कि हम लोग का हनी कॉम इकट्ठा होगा। क्या रे बीड़े लोग सुना, बिल्ली ने कहा हनी मतलब कि खाना, बढ़िया मजा आएगा खाने में। क्या क्या रे बिल्ला, एकदम शहद खाने में मस्त मजा आएगा बाबा। ओए शहद पहले बाद में खाना, चल मुन्ना पहले सो लेते हैं क्योंकि रात भी हो रही है। ओए एक तो ये बारिश दिमाग खराब कर देती है। ओए यहाँ क्या बैठा हुआ, निकल ले। ये देख फॉक्सी तो यहाँ घूम रहा है। ए, मैं सोने आया था। चल पहले मुन्ना हम ही लोग सो लेते हैं। ओए हे भैया जल्दी से उठ जाइए, हम लोगों को बीस लेने चलना है हुँ? ओए रुक जा मुन्ना, आप क्या ले रहा है? हे भैया मैं लीड ले रहा हूँ, ताकि भैया हम लोग वहाँ से बहुत सारी बीज ला सके हुँ? ओए इनको बांधने के लिए लीड चाहिए होता है क्या? हाँ भैया उन्हें लाने के लिए लीड की जरूरत तो पड़ेगी ही हुँ? चलिए भैया जल्दी से हम लोग पैन कार्ड भी ले लेते हैं, क्योंकि भैया मुझे लगता है कि गाँव तरफ भी हम लोगों को मधुमक्खियाँ मिल सकती हैं। और दोनों ले ले, शायद रास्ते में एक गिर जाए तो क्या होगा। ए भैया वैसे तो एक ही जरूरत पड़ेगी हुँ? आज माइन कार्ट खिलाड़ी चलाएगा क्या? ठीक है टपलू तुम ही चला लो हुँ? ओए मुन्ना तू इस कॉकरोच को माइन कार्ट चलाने के लिए कह रहा है, अब तू जा कहाँ रहा है? हे भैया मैं सीरियस लेना तो भूल ही गया, हम लोग वहाँ से हनी कॉम कैसे लाएंगे हुँ? ओए तू भी लगता है भुलक्कड़ होता जा रहा है। ओए लगता है तुझे समझाना बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगा, जब एक मार खाएगा मेरी तो समझ भी जाएगा। ओए अब आज से भूला वगैरह मत कर। हे भैया मैं तो भूल ही गया था शेयर लेना हुँ? जो कि भैया शेयर ही तो मेन चीज है, नहीं तो भैया हम लोग बी हाइव नहीं बना पाएंगे बिना हनी कॉम के हुँ? तो चलिए भैया अब चलते हैं हुँ? ये बैठे है माइंड कार्ट में। हे भैया उस लीवर को ऑन कर दीजिए। ओए ये ले ऑन कर दिया, अब चलते हैं छोटे से सफर में। ओए हे भैया सफर बड़ा भी हो सकता है हुँ? और भैया हनी को गुस्सा मत दिलाइएगा। ओए अब हनी गुस्सा भी होने लगी क्या? हाँ भैया अगर उनके में से मतलब कि उनके नेक्स्ट में से अगर आप बी हाइव ऐसे निकालेंगे हुँ? तो भैया वो हमला भी कर देती हैं। ओए तो बी हाइव निकालेगा कैसे, मतलब कि हनी कॉम निकालेगा कैसे? ओए हे भैया हनी कॉम तो हम लोग को वैसे ही निकालना पड़ेगा, लेकिन भैया उनका गुस्सा शांत भी हो जाता है। हे भैया नीचे देखिए फूल अगर आपको कहीं दिख जाए वहीं पर रुकिएगा। हे भैया वो रहे फूल, कूदिए। ओए ये ले कूद गया, लेकिन नीचे कैसे जाएगा पगले? ओए हे भैया सोचने दीजिए, हम लोग कूद तो गए। हे भैया नीचे पानी दिख रहा है, मैं सोच रहा था यहीं से कूद जाते हैं। ओए मुन्ना लगता है तू पागल हो गया है। हे भैया पागल नहीं होगा, वो देखिए नीचे एक बीबी घूम रही है हुँ? मतलब भैया सोने पे सुहागा। चलिए भैया कूदते हैं। ओए क्या बच गए, क्या रे बीड़ू मजा आ गया एकदम झक्कास, क्या खिलाड़ी को एकदम बड़े लेवल का मजा आया, बहुत बढ़िया होगी।
एकदम, मैं तो मस्त डर गया। अरे बाबा इस तरह मत कूदा कर रहे होगे। ओए ओगी मैं समझाया करता हूँ, इस तरह बिना देखे मत कूद जाया कर। ओए अगर नीचे पानी ना होता तो तू तो मर ही जाता। ओए हे भैया ऐसे कैसे मरते हुँ? हे भैया ये देखिए अभी घूम रही है। भैया ये अपने नेक्स्ट तरफ ही जा रही होगी, इसका नेक्स्ट भी देखना मत भूलिएगा। ओए इसका यहीं पर कहीं होगा नेक्स्ट, देख ले। ओए बकरी निकल ले तो बहुत मार खाएगी। ओए क्या रे बिल्ले, इस तरह मस्त तेल में फ्राई करके खा जाऊंगे बाबा। ओए खाने की जरूरत नहीं ना, तो तुझे तोड़ दूंगा। हम लोग खाना लेकर आए हैं। ओए अगर तुझे भूख लगेगी तो खा लेना, लेकिन हमारी मर्जी के बिना मत खाना, नहीं तो तू ही तोड़ा जाएगा। ओए हे भैया उस बी को ढूंढिए, उसका नेक्स्ट यहीं पर कहीं होगा हुँ? क्योंकि भैया उस नेक्स्ट से हम लोगों को हनी कॉम भी तो चाहिए होगा ना हुँ? ओए ये बात तो सही है, लेकिन ये मधुमक्खी जा कहाँ रही है? हे भैया इसे छोड़ते हैं, पहले हम लोग कुछ फूल इकट्ठा कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा ढूंढते हैं हुँ? ओए मुन्ना मैं तो थक गया, अब नहीं चल सकता। हे भैया चलने की जरूरत भी नहीं है, ये देखिए मिल गया हुँ? देखिए भैया मिल गया हम लोगों को बीस का नेक्स्ट हुँ? ओए मिल तो गया, इसमें शायद है भी या नहीं। हे भैया ये तो मुझे नहीं पता। हे भैया मुझे तो लगता है इसमें शायद नहीं है हुँ? क्योंकि भैया अगर इसमें हनी रहता है तो नीचे टपकता रहता है हुँ? तब तक चलिए भैया कुछ फूल भी इकट्ठा कर लेते हैं हुँ? क्या रे बीड़ू तेरा तो फूल इकट्ठे करते करते खुद ही का फूल बन गया क्या? हम लोगों को हनी तो मिला ही नहीं। हे झपलू अभी थोड़ा देर बाद इसमें हनी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 20 थी हुँ? और लेकिन 20 दिख ही नहीं रही, तो क्या थी? ओए हे भैया आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या आपको? अभी निकल सकती हैं हुँ? ओए ये क्या अचानक से निकल आई, डरा देती हैं। और तोड़ दूंगा छोड़ूंगा नहीं। हे भैया उन्हें तोड़ने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपको भी तोड़ सकती हैं हुँ? उनका भैया जो डंक है बहुत ही जहरीला होता है हुँ? और भैया इनको ब्रीड कराने के लिए फूल को इसी तरह लेना है हाथ में। और भैया ये देखिए ये आपस में ब्रीड करके एक छोटा सा भी बेबी आ जाएगा, वो देखिए भैया आ भी चुका है हुँ? ओए मुन्ना ये तो चार चार निकल गई। ओए हे भैया एक बात में आई थी हुँ? हे भैया फूल हटाइए ना हुँ? नहीं तो हमारे पीछे ही पीछे आएंगी हुँ? ओए कहाँ, ओए सच में आ रही है, ये लो अब कुछ नहीं मिलेगा। हे भैया अब ये जब तक हानि नहीं इकट्ठा कर लेती तब तक हम लोगों को यहीं पर रुकना पड़ेगा, और तब तक भैया हम लोग कुछ फूल इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि भैया हम लोग को इनके घर में फूल भी तो लगाने हैं हुँ? ताकि भैया ये लोग वहाँ भी हानि इकट्ठा कर सके। चलिए भैया जल्दी से कुछ फूल इकट्ठा कर लीजिए। ओए तो बस अपने भैया का कमाल देख। ओए ओए मुन्ना एक रात काट ली, पता नहीं इकट्ठा हुआ होगा कभी नहीं। ओए हे भैया सबर का फल मीठा होता है। हे भैया देखते हैं। हे भैया सबर का फल सच में मीठा हो गए। ये देखिए भैया हनी इकट्ठा हो गए। देखिए भैया इसमें पहले हम लोगों को खाली दिखा, लेकिन अब देखिए भैया भर चुका है। और इसको लेना कैसे है? हे भैया शेयर्स को नेक्स्ट पर क्लिक करके भाग जाइए। हे भैया भाग गए। ओए भाग क्यों रहा है? ओए ये क्या मुन्ना लगता है पीछे लग गई, आवाज बहुत भयानक आ रही है। हाँ भैया पीछे तो लगेगी ही। अरे बिल्ले पीछे देखो, भागो बिल्लो भागो, नहीं तो भी बना देंगी तुम लोगों का कचूमर। अच्छा है ओए ये क्या कचूमर बनाएगी, हम लोग भाग जाएंगे। ओए ओए मुन्ना लेकिन हम लोग भाग क्यों रहे हैं, इनको तोड़ क्यों नहीं देते? हे भैया अगर ये हम लोग को गलती से काट भी लेती हैं तो हम लोग को तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन भैया ये सभी मर जाएंगी हुँ? क्योंकि हम लोग को काटते ही ये मर जाती हैं। ओए पीछे ही लगी हुई है, जल्दी भाग ले। ओए हे भैया भाग तो रहा हूँ। हे भैया हो रहा हम लोग का देखिए हनी कॉम हुँ? ओए अब तो गुस्सा शांत हो गया होगा ना। हाँ भैया इन लोग का गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाता है हुँ? ओए छोटी वाली बच गई। हे भैया हनी कॉम लीजिए हुँ? और भैया एक नेक्स्ट से हम लोग को तीन हनी कॉम मिलती है हुँ? ओए देखता हूँ भला। हाँ मुन्ना तीन ही मिली है, और भैया हम लोग को तीन से एक भी हाई बना सकते हैं हुँ? ओए अब थोड़ा सा और इकट्ठा करते हैं। ओए हाँ भैया हम लोग को दो भी हाई बनाने हैं हुँ? ओए फिर से सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। ओए देखता हूँ इकट्ठा हुआ कि नहीं।
ओए टपक तो रहा है मुन्ना, इकट्ठा भी हो गया। अब भैया जल्दी से क्लिक कर कर भाग गया यहाँ से भैया। हे ओए तो भाग मुन्ना, इतना धीरे क्यों चल रहा है? ओए हे भैया भाग रहा था, स्पीड ही धीमी हो गई। खिलाड़ी से पंगा शहर में दंगा, खिलाड़ी ने छोड़ेगा नहीं। ओए छोड़ने ओढ़ने की बात नहीं, अभी ओगी ने बताया, सुना नहीं क्या? इन्हें हम लोग को तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये मर भी जाती हैं। ओए फिर घर क्या ले जाएगा खिलाड़ी? ओए हाँ भिड़ू, ओगी ने एकदम सही बोला। क्या? मैं तो बोल रहा हूँ इनको मस्त तेल में फ्राई करके खा जा रहा बाबा। ओए मुन्ना मेरा जिस दिन दिमाग खराब हुआ, ये मैं इस पप्पू को ही ने खिला दूंगा। ओए ये क्या कर रहा है मुन्ना? हे भैया भाग, ये देखिए मत। ओए भाग तो रहा हूँ, ओए ये क्या लगता, ओए ये क्या पीछे ही लगी, भाग मुन्ना भाग। अरे भागो बिल्लो भागो, नहीं तो तुम लोग का बीज बना देंगी कचूमर। अच्छा है बात। ओए मुन्ना तू पता नहीं क्या करता रहता, अब उनका नेक्स्ट क्यों तोड़ दिया, और ज्यादा भड़क गई। ओए हे भैया मेरे पास सिल्क टच थी इसलिए मैंने नेक्स्ट तोड़ दिया। ओए क्यों तोड़ा ये बता दे। हे भैया नेक्स्ट हम अपने घर में भी लगा सकते हैं और भी बहुत सारी बी हाइव, मतलब की बीज पाल सकते हैं। ओए अभी बी हाइव बनाने की बात कर रहा था, बी का नेक्स्ट ले लिया। ओए चलिए भैया गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। ये देखिए भैया उनकी आंखें अब लाल नहीं है, ये लो खा लो। गुस्सा मत किया करो। ओए तो खा ही नहीं रही। हे भैया इन्हें पकड़ना है, जल्दी से लीड निकालिए और पकड़ते हैं। हे भैया फिर से मार दिया आपने। ओए गलती से लग गया मुन्ना, सॉरी। ओए क्या रे बीड़ू भागो, नहीं तो हम लोग का ये तो कचूमर ही बना देंगी। वाह क्या बात है, अरे कचूमर बनाएंगी नहीं, कचूमर बनेगा तुम लोगों का। अच्छा है भागो, नहीं तो बस सचमुच बन जाएगा कचूमर। अच्छा है। ओए मुन्ना इन लोगों ने तो दिमाग खराब कर लिया। हे भैया उनको काटने मत दीजिएगा, नहीं तो खुद ही मर जाएंगी। और मैं नहीं चाहता भैया कोई मरे। ओए इनसे जल्दी से पकड़ लेना, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ओए अब आई ना पकड़ में, बहुत फुदक रही थी। ओए हाँ भैया फुदक तो रही थी। चलिए भैया तीन तीन हम लोगों ने पकड़ ली, अब भैया इसी रास्ते से घर चलते हैं। ओए चल मुन्ना, बहुत ही मेहनत लग गई। ओए क्या अरे बाबा बहुत देर में घर आ रे बाबा, मुझको मस्त वाला भूख लगा रे बाबा। क्या रे होगी मुझे खाना दे रे बाबा। ओए खाना होना बाद में मिलेगा, जब ये लोग एकदम घर में शिफ्ट हो जाएंगी तब तुझे खाना मिलेगा, तू आता ही क्यों है? ओए इन कॉकरोचों में सबसे ज्यादा भूखा तू ही होता है। ओए अरे ओगी मेहनत तो आज बहुत ही लग गई। हाँ टपलू मेहनत तो काफी सारी लग गई, लेकिन फाइनली हम लोगों ने भी इसको अपने घर ले आए। ओए मुन्ना काफी तंग किया इन लोगों ने। ओए हाँ भैया तंग तो काफी किया। चलिए भैया ओए एक तो रास्ते में ही छूट गई। हाँ भैया उसे तो छोड़िए, अब वो पता नहीं चली जाएगी अपनी कहीं। ओए पहले इन लोगों को मुन्ना कहीं शिफ्ट कर दे, हम लोगों को पहले बी हाइव बनाना चाहिए। हे भैया मैं लकड़ियाँ ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि भैया बी हाइव तो लकड़ियों से ही बनेगा। ओए लकड़ियाँ रखी कहाँ है? हे भैया लगता है ऊपर रख दी। ओए मुन्ना एक जगह चीजें रखा कर, पहले इनको यहाँ पर शिफ्ट कर। ओए ये लीजिए भैया, मैं इनको यहीं पर तब तक बांध देता हूँ। और भैया चलिए जल्दी से लकड़ियाँ लेकर आते हैं। और भैया इन लोगों के लिए बी हाइव बनाते हैं, दो बना लेते हैं भैया, क्योंकि जितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ रहेंगी उतनी ज़्यादा हम लोगों को हनी कॉम मिलेंगी। और भैया हनी कॉम से हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। ओए तो चल अब बकवास मत कर, ये बता बी हाइव रखेगा कहाँ? हे भैया उनके घर में रखेंगे और कहाँ रखेंगे। ओए तो घर चल ना जल्दी से। ओए पहले मुन्ना दरवाज़ा लगा देते हैं, ओए नहीं तो भाग जाएंगी। हाँ भैया चलिए जल्दी से लगाते हैं दरवाज़ा, ये लग गया। अब भैया हम लोग को इधर फूल्स भी लगा देने चाहिए, चलिए भैया फ्लावर्स लगाते हैं। चल मुन्ना अब इन्हें जल्दी से ले भी आते हैं। ओए हाँ भैया चलिए खोल दीजिए इन्हें। ओए भाग जाएंगे ये लोग। हे भैया खोलिए तो आप, मैं बताता हूँ इन्हें। ओए ये ले खोल दिया। हे भैया फ्लावर पकड़िए। ओए ये पकड़ भी लिया, अब देखिए भैया कमाल, ये हमारे पीछे पीछे आएंगी। ओए ये बात भी सही है, फ्लावर को देख के भी आती हैं। हाँ भैया फ्लावर को देख के भी आती हैं, लेकिन भैया लीड ज़्यादा सही रहती है। लीड से भैया ये लोग जल्दी आ जाती हैं, नहीं तो भैया फ्लावर को छोड़ भी तो देती हैं।
ओए अंदर क्यों नहीं आ रहे अब, ओए अंदर आओ जल्दी से। हे भैया लगता है कुछ दिक्कत हो रही है, रुक जाइए भैया, लगता है मुझे इस ग्लास को हटाना पड़ेगा ऊपर वाले, ये हटा दिया ग्लास। हे भी अब अंदर आ जाओ जल्दी से, ये लीजिए भैया, अब ये अंदर भी आ गए। क्या अरे बाबा ये तो एकदम मस्त अंदर आ गई बाबा, ये ले मुन्ना इनकी ब्रीडिंग भी करा दी। ओए हे भैया फूल हटाइए नहीं तो भाग आएंगी बाहर। हे भैया वो देखिए बाहर चली आई, आपकी वजह से है, फूल अगर आप हाथ में ना रखते तो बाहर ना आती। ये ले छोटे तू भी खा ले और जल्दी से बड़ा हो जा। क्या रे बाबा इसके बड़ा होने तक मैं ही खा जाऊंगा रे बाबा इसे, ओए तू खाएगा तो तोड़ा भी जाएगा। ओए हे भैया वो देखिए वो बीहाइव के अंदर चली गई। ओए दिख तो मुझे भी रहा है चली गई। हाँ भैया अब जितने फूल हैं लगा दीजिए जल्दी से। आज तो भैया मजा ही आ गया एडवेंचर करने में। ओए मजा तो आया, बहुत दिन बाद बाहर चलने में मजा आया। ओए खिलाड़ी बहुत दिन बाद एडवेंचर पर गया था, आज तो एकदम मस्त मजा आया। हाँ भीड़ू आज बहुत दिन बाद हम लोग बाहर गए थे एडवेंचर करने के लिए। क्या क्या रे पापा अब तो खाना देगा रे बाबा, मुझे भूख लगी रे बाबा। ओए चल ठीक है अब खा लेना। ओए लेकिन उससे पहले चल चलते हैं ऊपर सो लेते हैं। हाँ भैया काफी थकान भी तो हो रही है। चलिए भैया। तो हे गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से 100K भी करवा दो। ओए क्या कर रहे हो, ओए क्यों रे वीडियो लोग सभी लोग मिलकर सब्सक्राइब करने का, क्या सभी लोग सब्सक्राइब करना नहीं तो मैं एंग्री हो जाऊंगा क्या।